हिमालय की तराई में बसे उत्तराखंड में राज्य प्रायोजित दंगे की यह पहली घटना थी, जहां अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की जयंती पर शहर के अमन चैन को नजरे आतिश कर दिया गया। कौमी एकता के गुलदस्ते के नाम से चर्चित रुद्रपुर की अधिकांश आबादी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे से विस्थापित लोगों की है, जिनमें पंजाबी, खत्री और सिख पश्चिमी पाकिस्तान से, बंगाली हिंदू पूर्वी पाकिस्तान, बर्मा और 1971 में बने बांग्लादेश से आए हैं। सांस्कृतिक सांझापन और सांप्रदायिक सौहार्द इस शहर की खासियत है, जिसे तोड़ने की कोशिश की गई। साहब, अभी 2 अक्टूबर से मैंने 1 रुपया काम नहीं किया है, खाली घूम रहे हूँ इसी, बस कोई काम नहीं किया बिल्कुल भी। अब बिल्कुल खाली बेपार हूँ, क्योंकि रोजगार कोई नहीं मेरे पास, औजार मेरे पास कोई नहीं जो काम करता हूँ, फर्नीचर का सारे लूट के ले गए मेरे, तो अब तो बेकार ही हूँ मैं, बेपार घूम रहा हूँ बिल्कुल। तो क्या हुआ था उस दिन? कुरान जला के और मतलब उसमें हरी पन्नी में सुअर का मीट रख के और रखा था, 4-5 किलो मीट था उसके अंदर। अब सुबह जब देखा गया वो, तो 5:45 बजे करीब हमने कहा भाई पूरन लाल या आके देखो ये क्या चीज़ है, तो जब उन्होंने देखा तो उसमें सुअर का मीट था। कोतवाल साहब आते हैं, उनके साथ में कुछ पुलिस वाले भी होते हैं। कोतवाल साहब ने आते आते वो थैला उठा लिया और कहा आप लोग यहाँ शांति बनाए रखें और हमारे साथ आएँ, हम इसकी जाँच करेंगे, आप आइए और रिपोर्ट लिखाइए, इससे हम जाँच करेंगे कि ये थैला किसने रखा है। पुलिस के साथ नथुलाल गुप्ता भी मौजूद था चौराहे पे, उसने आके एक चांट मेरे मारा कोतवाल ने, वो चांट मारते के और कोतवाली में ले गया कोतवाल कुरान को, समझे। यहाँ से पुलिस ने डंडेबाजी करी मुसलमानों पे, पुलिस ने डंडेबाजी करी और मतलब मारा मुसलमानों को, गोली चलाई। दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, कई घायलों को रुद्रपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को इलाज के लिए हल्द्वानी के अस्पताल में भेजा गया है। इलाके के हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने रुद्रपुर के कोतवाली थाना इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। शहर को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकने की यह कोई पहली कोशिश नहीं थी, लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी। तीसरा कांड हो गया ये, एक बार पहले मस्जिद में हुआ, फिर ये हमारे घर के सामने मंदिर कुरान रखा गया, फिर उसके बाद में ये उनके मिस्त्री घर के दरवाजे रखा गया। पिक्चर हॉल सिब्बल पिक्चर हॉल के पास, वहाँ से बाजार से करीब 60-70 लोग बंदूकों से और कट्टों के साथ मारो मारो की फायरिंग करते हुए, वाजपेयी थे जिसमें राजकुमार ठुकराल फायर कर रहे थे, उन्होंने फायर किया तो धकी के गोली लगी, धकी के गोली लगने के तुरंत ही बाद मेरे गोली लगी, मेरे गोली यहाँ पे लगी है ये, तो मैं भी गिर गया। धकी के गोली लग गई, यहाँ से उठा कर लेके गए और गोटिया पे पुलिस ने हमसे लाश छीन ली, वहाँ से हम भागे। पुलिस ने क्या बोला छीनते समय? बोला कुछ नहीं, सिर्फ लाश छीन के और उन्होंने वहाँ से फायरिंग चालू कर देते, वो हम लोग नहीं भागते तो, पर हमें जान छुपा के भागना पड़ा वहाँ से। इस पूरे वाक्य में मुस्लिम का प्रोटेस्ट था पुलिस के अगेंस्ट, और पुलिस ने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? हिंदुओं के अगेंस्ट, हिंदुओं को मुस्लिम के अगेंस्ट। वायलेंस कहाँ है? वहाँ वायलेंस है नहीं, धर्म ग्रंथ के अपमान पे प्रोटेस्ट कर रहा है मुस्लिम समुदाय कि उन लोगों को पकड़ा जाए, और हो क्या रहा है? धक्का मुक्की हुई, निश्चित ही जब आक्रोश होगा धक्का मुक्की होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रशासन है। ऐसे में रामपुरा के लोग बुला के और उनको बुला के उनके अगेंस्ट खड़ा किया जाता है, और ये कहा जाता है कि हिंदुओं ने कोतवाली फूकने से बचाई। आश्चर्य की चीज़ यह है कि जहाँ 2-2 PAC की बटालियन है और ख़ास तौर से 46 बटालियन दंगा रोधक बटालियन है जो अन्य प्रदेशों में भेजी जाती है, वो यही रुद्रपुर में होने के बाद भी
उनको नहीं बुलाया जाता है। यह सीधी सी चीज़ है कि यह मिली भगत थी, शासन प्रशासन की थी, मौजूदा विधायक की थी, सत्ताधारी पार्टी की थी, और मिलके यह सब हुआ, नहीं तो यह सब होने का प्रश्न ही नहीं था। दंगा जो पिछले 2-3 सालों से कोशिश हो रही थी उसको अंत में सफल कर लिया गया। सवर्ण हिंदू जातियों के समान जनाधार वाले राजनीतिक दलों कांग्रेस और भाजपा के शासन पर मजबूत पकड़ वाले इस राज्य में पुलिस तंत्र का सांप्रदायिकरण साफ दिखा, जिसके तहत इस घटना में वो न सिर्फ मूक दर्शक बनी रही बल्कि दंगाइयों के साथ नेतृत्वकारी भूमिका में भी थी, जहां उसने तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर उल्टे मुसलमानों को ही आरोपी बनाने की कोशिश की। शमशान घाट का मोड़ जो अंदर को जा रहा रोड, वहाँ एक पीपल का पेड़ है, उस जगह पे वो आकर के वहाँ से उन्होंने गोली चलाया हमारे आदमी को। पीपल का पेड़ से कुछ दूर बिजली का खम्मा है, पीपल का पेड़ और बिजली का पेड़ वो खम्मा जो है उस बीच में हमारे आदमी को गोली लगा, और खम्भे का पास अफजाल का लोग लगाया गोली और एक का और लगा गोली अफजाल, और वो आगे बढ़ के गिर गए और हमारा आदमी भाग के चले थोड़ा दूर, फिर गिरे वो। कौन लोग थे ये? हिंदू थे भदईपुरा का। वो कुछ बोल भी रहे थे? वो तो एकदम गाली बक के गोली चलाने लगा, बोलने की मौके ना दिया ना हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया। वो लोग क्या बोल रहे थे? गाली बक रहे थे इन लोगों को, मारो साले मुसलमान ये लोग। तो अब तो कमाने वाला घर में कौन है? कमाने वाला हमारा कोई नहीं है बेटा, लड़के हैं तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो उन्हें पालेंगे या मुझे पालेंगे। जितनी भी पत्रावली देखी, जो जाँच रिपोर्टें देखी या मेडिकल रिपोर्टें देखी, उसके आधार पर हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं पुलिस ने जो है इसमें ज़िला प्रशासन की पूरी चूक थी, पुलिस इन दंगों को कंट्रोल नहीं कर पाई, इनको बढ़ाया है रोका नहीं है। मैं जब अपनी शॉप की तरफ गया तो वहाँ शॉप के आगे कम से कम 500-600 लोग खड़े हुए थे, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई उन लोगों के बीच में जाके अपनी शॉप पे खड़े होने की, तो इसलिए मैं दूर से ही खड़े होकर देखता रहा। वहाँ कुछ लोग आए और नारे लगा रहे थे जय श्री राम और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। उससे आगे लोग नेतृत्व करके चल रहे थे, उनमें एक बसपा का नेता नरेश ग्रोवर जो कि अपने पुत्र के साथ था, दूसरा राजीव कामरा ये कांग्रेस का नेता है, और एक संजय ठुकराल जो कि कहते हैं यहाँ भाजपा का नेता है। मुआवजे की कहते हैं जो रकम आई है उसको बांटने का उन्होंने पक्षपात तरीके से बांटा है, मुसलमानों के नाम पर कहते हैं उन्होंने सिर्फ एक मजाक करा है, जिसमें कि जिस मैं अपने ही आपको अगर लेकर चलूं तो उसमें ही मैं आपको दिखा सकता हूं कि मेरी 11 गाड़ियां जली जिनका मुआवजा उन्होंने 40,000 रुपये बताया, जिसमें कि 20,000 रुपये वो देंगे अभी और 20,000 बाद में। लेकिन एक दूसरा बंदा ऑटो डीलर जो कि कहते हैं सिर्फ हिंदू होने का इस बात पर, उसका नाम सतनाम चोपड़ा है, उसकी 4 गाड़ियाँ जली हैं और उसको 1,80,000 का मुआवजा दिया जा रहा है, ये कौन सा गणित था? वहाँ पर दंगा देखा था तो वो वापसी हो लिया, ये ऐसी वो वापसी हुआ है, तैसी पहाड़गंज के और मतलब दूजे नगर के बीच में वो घर गया, उसके वहाँ पर गोली लगी थी। अकेले ही कमाने वाले थे? अकेले ही था कमाने वाला, और कौन है, सब छोटे छोटे हैं, आगे इनका कोई सहारा ही नहीं है। और आपके पति कब? पति के हो गए 3-4 साल। चकी यहाँ क्या काम करते? कबाड़ का काम करे, फेरी करने आया है, बहन की शादी ही 1.5 महीने शादी का, शादी भी रह गई है जी, अब बेटा 5वें दिन मार डाला रे, छठे दिन बिल्कुल ही जनाजा पहुंच गया घर रे, के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि न्याय का आधार निष्पक्ष विवेचना होती है, तो यहाँ पर संविधान ने निष्पक्ष विवेचना को मौलिक अधिकार भी कहा है, और निष्पक्ष विवेचना करने का दायित्व एजेंसियों पर है, चाहे वो पुलिस एजेंसी हो या उसके ऊपर की एजेंसियाँ,
सीबीआई वगैरह हो, अगर निष्पक्ष विवेचना नहीं होगी तो न्याय नहीं मिल सकेगा। दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय ने मनोहर जोशी केस में ये चुनावी याचिका थी उनकी, उसको निपटारा करते हुए कहा कि सांप्रदायिक तत्व आतंकवादियों से भी बुरे हैं और जहां भी सबसे पहले जितना जल्दी अवसर मिले उनको कुचलने का उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तो इस केस में रुद्रपुर रॉयट में हमें देखने को मिलता है कि सांप्रदायिक तत्वों को कुचलने की बजाय उनको मजबूती दी गई, वो अपराधी थे उनको बचाया गया और निर्दोषों को फंसाया गया, यानी कि निष्पक्ष विवेचना एजेंसी ने नहीं की। तो एक ये दुखद पहलू है जो मेरी फैक्ट्स फाइंडिंग आई है उसमें, ये कि सबूतों को मिटाया गया, नई कहानी गढ़ी गई, हत्याएं किसी दूसरी जगह पर हुई, उसमें जो घायल लोग हुए हैं उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र भी दिए हैं माननीय न्यायालय में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, उनकी रिपोर्टें दर्ज नहीं की गई और गवाहों नई गवाहियां बनाई, खुद पुलिस ने खुद को चश्मदीद गवाह बनाया। तो ये इस तरह से झूठी कहानियां बनाना और साक्ष्यों को मिटाना और साक्ष्य गढ़ना यहाँ पर खुद पुलिस एजेंसी ने किया। उत्तरांचल सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आप उन उस जैसे कि मतलब कांस्टेबल से लेकर हायर पुलिस अथॉरिटी तक के खिलाफ, उन्होंने कहा है कि एक जाँच अधिकारी बैठेगा जो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का होगा, और अगर डीजीपी एसपी लेवल से लेकर डीजीपी लेवल तक के पदाधिकारी के खिलाफ शिकायत अगर जनता करना चाहती है तो उसके लिए हाईकोर्ट जज रैंक का अफसर बैठेगा। तो वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, पर मानवाधिकार आयोग यहाँ स्टेट में है ही नहीं, तो जनता किससे जाए? पीड़ितों की शिकायतें नहीं सुनी गई, FIR दर्ज नहीं हुई, 300 आदमियों की FIR जो लोग कराने गए उनको कह दिया गया कि आप नेम्ड कर रहे हो इसलिए नहीं लेंगे हम FIR, उनको भगा दिया गया। हिंदुत्ववादी जहनियत से संचालित पुलिस तंत्र ने अल्पसंख्यक समुदाय के विरोध करने और न्याय पाने के लोकतांत्रिक अधिकारों को न सिर्फ रोकने की कोशिश की बल्कि उनके आक्रोश को हिंदू बना मुस्लिम रंग देने का प्रयास भी किया, जिससे बंटवारे के बाद यहां आकर बसी उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं में पिछले 6 दशकों में विकसित हुए सह अस्तित्व की भावना मजरूह हुई और जिस सांझे सभ्यता बोध को इस कौमी एकता के गुलदस्ते की बुनियाद समझा गया उसे ही फिरका परस्त ताकतों ने अपना औजार बनाने की कोशिश की और ऐसा लगा जैसे इतिहास पीछे लौट गया हो। दो अक्टूबर को जो रुद्रपुर में जो दंगा हुआ था उसके बाद जब 2-3 दिन बाद कर्फ्यू हटाया गया थोड़े वक्त के लिए, हजारों की संख्या में परिवार वहाँ से पलायन कर रहे हैं, अपने सिर में गठरियाँ लेकर, अपने वो बर्तन भांडे लेकर, कपड़े लेकर वहाँ से रामपुर की ओर को जो सड़क जाती है उस पर पैदल निकलते हुए, क्योंकि इतने लोगों का ट्रेन में या बस में जाना भी संभव नहीं था। मुझे तमस और झूठा सच के दृश्य जरूर विभाजन के याद आते हैं, जब इस देश का विभाजन हुआ था और एक ओर से दूसरी ओर लोग इस तरह से जा रहे थे। बीजेपी अपना स्टंट के लिए, स्टंट लेने के लिए ये कुछ काम किया है। दंगे के दौरान इस सेंटिमेंट को उभारने की कोशिश हुई? कोशिश हुई, डेफिनेटली कोशिश हुई, और पॉलिटिकल लीडर ने किया, छुटभैया नेता ने किया अपने पक्ष में वोट को लाने के लिए कि आने वाले चुनाव में जो इसका रिजल्ट पड़ेगा। क्या लॉजिक देते थे बोलो? वो देते थे भाई ये लोग देखो मुस्लिम जो है इनके कारण बेघर हुआ है, ये पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान को झंडा उठाते हैं, और क्या कहते हैं हॉकी खेलो चाहे फुटबॉल खेलो चाहे क्रिकेट खेलो उनको झंडा उठते रहता है, वो तो है ही साला पाकिस्तान के सब विचारधारा रखते हैं, अब हम लोग क्यों साला पीछते जाए इसमें। इस टाइप से जो मनभावना है कुछ लोगों के अंदर ये फैलाने की कोशिश किया पॉलिटिकल लीडर लोगों ने, छुटभैया नेता जो उनके इर्द गिर्द रहते थे, ये तो एकदम स्पष्ट है। मीडिया जिसकी जिम्मेदारी इस त्रासदी की सच्चाई को निष्पक्षता से आवाम के बीच ले जाने की थी, उसने न सिर्फ सच्चाई छुपाई बल्कि पुलिस और हिंदुत्ववादियों द्वारा की गई मुस्लिम विरोधी हिंसा को वैधता देने की भी कोशिश की। घटनाक्रम के 12 बजे के बाद की तस्वीरें प्रेस के पास नहीं है और ना ही उनको कहीं हाईलाइट किया गया, जो कि दूसरे समुदाय की ओर से, हिंदू संप्रदाय की ओर से मुस्लिम पुलिस के साथ मिलकर जो उन्माद था उस उन्माद को नकारा गया, उस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई और उसको उस तरीके से जो एक बतौर सच्चाई के
उजागर करना चाहिए था, वो उजागर नहीं किया गया, ये एक नकारात्मक पक्ष मीडिया कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रियता वाले इस शहर में हुए मुस्लिम विरोधी दंगों में संघ की अहम भूमिका रही, जहां भाजपा समेत बसपा और कांग्रेस जैसे विभिन्न राजनीतिक दलों में सक्रिय संघी तत्व एकजुट होकर मुसलमानों पर हमलावर हुए। बंगाली हिंदू और सिखों में विभाजन के दंश को पाकिस्तान विरोध के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ भड़काने का हर संभव प्रयास किया गया। यहाँ पर रोड के सामने कुछ दुकानें थी ना, उन दुकानों में कुछ लोगों ने आग लगा दी थी, जो मुस्लिम लोग, जैसे नाई की दुकान थी, लकड़ी की दुकान थी, कुछ लोग किराने की दुकान थी। यहाँ पे आरएसएस की शाखाएं भी चलती हैं? हाँ, चलती शाखा चलती है। यहाँ फुटबॉल मैदान है, वहीं पे डेली सुबह शाम धुरना लगता है। बंगाली लोग, किस उम्र के बच्चे हैं वहाँ? लगभग 18 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे हैं। अच्छा, ये जो भी दंगा हुआ था यहाँ पे, हाँ, उसमें बंगाली लोगों का क्या स्टैंड था? बंगाली लोगों का स्टैंड ये था कि उन्होंने अपने अपने घर में जो भी मुस्लिम लोग थे किराए पे, इधर अपने अड़ोस पड़ोस में सबसे खाली करा दिया उन्होंने। अगर किसी ने कोई दुकान दे दिया तो उनको मना कर दिया, दुकान खाली कर दो आप। मतलब हम लोगों ने सिर्फ जो है यहाँ के सारे हिंदुओं ने एक ही बात करी कि अपना जो दुकान या मकान कोई किसी ने किराए पे दिया हो वो अपना खाली करा दे। और यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने अपने ज़मीन से प्लॉट काट के बेचा भी है, तो इन्होंने शुरू से एक नीति अपनाया कि हम किसी मुस्लिम आदमी को बसने नहीं देंगे। और यही कारण है कि यहाँ पे जो भी है, भले वो देशी समाज के हो, नॉन बंगाली हो, पंजाबी कौम से हो, खत्री समाज से हो या किसी और समाज से, मगर मुस्लिम समाज के किसी को इन्होंने बेचा नहीं है। और बंगाली जो यहाँ पे आए हुए हैं, सब बांग्लादेश से आए हुए हैं, पूरी पाकिस्तान से, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो है मुस्लिम जो वहाँ के जो मुस्लिम प्रदेश देश था वो बांग्लादेश, वहाँ के स्थानीय नेताओं से त्रस्त होकर आए थे। वहाँ के बंगाली हिंदू बंगाली के साथ इतना कोहराम मचा गया वहाँ पे, हमें अपनी ज़मीनें छोड़ के आनी पड़ी, हमारे माँ बाप अपने जो है पैतृक गाँव, पैतृक घर, यहाँ तक उनके जेवर तक लूट लिए गए थे, और सारे संपत्ति छोड़ के हम लोग आए थे भूखे प्यासे, जो जिसके जेब में जितना पैसा था उतने पैसे लेकर आए हैं। और वो इसलिए कि वहाँ पे अगर नहीं रहते तो हमारे जो एक तो धर्म भ्रष्ट हो रहा था, कुछ लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था। हमारे माँ बाप कहते थे कि डर के मारे लोग लंबे लंबे दाढ़ी बना लेते थे। इतनी यातना सह के हम लोग यहाँ पे आ गए थे कि ताकि हम लोग अपने धर्म के साथ हिंदुस्तान में रहेंगे। और जब हिंदुस्तान की सरकार ने कहा था कि आपको वहाँ जमीन के बदले ज़मीन दी जाएगी, तो हम लोग सब यहीं पर आ गए थे। तब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, और हमें लगता है कि यहाँ पे जो है जो एक अगर हिंदुओं का कोई बात करने वाला है तो सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी करती है, इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी करती नहीं है। वो ओपन तरीके से करे या दबे सुर में करे, भाजपा ही करती है। बाकी ना बसपा करता है, ना सपा करती है, ना आपके जो है CPM करती है, और ना आपके कांग्रेस करती है। मुसलमानों की दुकान जला दी, कुछ कर दिया, ये भी हुआ, वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया है। सब एक क्रिया हो जाती है, उसकी 10 प्रतिक्रिया हो जाती है, फिर प्रतिक्रिया को आप गलत नहीं ठहरा सकते। अपनी श्रम शक्ति और साझी विरासत के बल पर कभी बियाबान रहे इस क्षेत्र को आबाद करने वाली यहाँ की आवाम के एक बड़े हिस्से ने हिंदुत्व के इस नफरत की राजनीति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। सुबह हमें फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे गुरुद्वारे में कुछ लोगों ने अटैक किया है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ कुछ नहीं था सर। उसके बाद करीब 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद ये राजकोट टुकड़ा वहाँ आया, और भीड़ एक 200-250 बंदों की भीड़ लेके आया, और सब भीड़ को संबोधित किया इसने इकट्ठे करके। वहाँ सभा में उन्होंने क्या बोला था? सभा में ये बोला कि आज यहाँ की मुसलमानों की दुकानें जो हैं, मुसलमानों को खात्मा कर दो यहाँ से, इनकी दुकानें तोड़ो, आग लगा दो, भगाओ मुसलमानों को यहाँ से। और सभा में कहा कि अगर जो भी हिंदू पीछे हटेगा वो गाय खाएगा, वो मुसलमान है, हिंदू नहीं है। ऐसे जहरीले भाषण जब उसने दिए तो पब्लिक भड़की, भड़कने के बाद फिर पब्लिक भागी, दुकान टूटी, उसके बाद फिर आग लगी है, उसके बाद फायरिंगबाजी भी हुई। दंगे के बाद ये शहर लगभग लगभग 10 साल पीछे चला गया है, और यहाँ लोग काफ़ी वो हुआ। अब ये तराई थी, यहाँ पूरा जंगल था, यहाँ पाकिस्तान से आए हुए लोग, पंजाबी लोग, बांग्लादेश से आए बंगाली, और बर्मा से कुछ बर्मा से भी आए हुए लोगों ने इसको आबाद किया, मोमनस लोगों ने आबाद किया। कुछ लोगों ने यहाँ इसको अपना आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है, और इस पर पूरा शहर दंगे की आग में झोंक दिया था। आपस में प्यार मोहब्बत था सबका, कम से कम वो लोग खो चुके हैं सारा।
सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो ईद को मुसलमान, होली दिवाली को हिंदू मुस्लिम सब मिलकर सब सारे करते थे अपना, वो सारी चीज़ ख़त्म हो चुकी है सारा वो लगभग। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर पूरी सियासत के मुस्लिम मुखालिफ होते जाने के इस दौर में बंटवारे की जहनियत को उभारने की ये कोशिश राज्य द्वारा एक नई आतंक की राजनीति को निर्मित करने की साजिश है, जो उस बुनियाद को ही कमजोर कर देगी जिसके बिना पर भारत की आवाम ने एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राज्य की कल्पना बंटवारे की त्रासदी के बाद की थी। रहबर मुल्को कौम बता, रहबर मुल्को कौम बता, आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता, ये किसका लहू है कौन मरा, रहबर मुल्को कौम बता, आंखें तो उठा नजरे तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। ऐ अज़्म फना देने वालों, पैगाम वफा देने वालों, अब आग से क्यों कतराते हो, शोलों को हवा देने वालों, तूफान से अब क्यों डरते हो, मौजों को हवा देने वालों, क्या भूल गए अपना नारा, ये किसका लहू है कौन मरा, है रहबर मुल्को कौम बता, आंखें तो उठा नजरे तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। हम ठान चुके हैं अब जी में, हर जालिम से टकराएंगे, तुम समझौते की आस रखो, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम मंजिल आजादी की कसम, हर मंजिल पे दोहराएंगे, ये किसका लहू है कौन मरा, रहबर मुल्को कौम बता, आंखें तो उठा नजरे तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा।